नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर एक्शन हो रहा है। तो सोने चांदी में तेजी आई है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 200 रुपए बढ़ा है, 48,700 रुपए के ऊपर है गोल्ड का भाव और चांदी में भी करीब 150 रुपए की मजबूती है, 60,000 के करीब यहां पर ट्रेड हो रहा है। भारी गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई है, देखना होगा कि क्या ये रिकवरी आगे टिकती है या नहीं, इस पर हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा क्रूड का मार्केट भी दबाव में है, एमसीएक्स पर कच्चा तेल 3,300 रुपए के करीब है और बड़ी तेजी के बाद एक बड़ा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, 2.25% के आसपास एमसीएक्स पर कच्चा तेल टूट चुका है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी करीब 1.5% की गिरावट ब्रेंट में और WTI क्रूड में दिख रही है। मेटल मार्केट को देखें तो सभी मेटल में एक बाइंग का रुझान यहाँ पर दिखा है और जिंक करीब 1% मजबूत है, 219 के आसपास है। कॉपर एल्युमिनियम में भी और लेड में भी तेजी है। इसके अलावा चना वायदा बहुत तेजी के साथ गिरा है और चना वायदा 5,000 के लेवल को भी अब तोड़ने को बेताब हो रहा है, 2.5% तक की गिरावट है। बुआई लास्ट ईयर के मुकाबले ज़्यादा बताई जा रही है और उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा ग्वार में फिर से गिरावट है और ग्वारगम का वायदा 5,800 रुपए के करीब है, ग्वार सीड 3,900 तक फिसल चुका है, ग्वारगम 2% और ग्वार सीड में 1% तक की कमजोरी दिख रही है और महीने भर में ग्वार सीड का भाव 9% से ज्यादा टूट चुका है। तो ये 5 खबरें हैं, इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं जिगर धर्मशी मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं, गोल्ड में क्या किया जाए, अभी जो तेजी लौटती हुई दिख रही है, क्या इसके ऊपर भरोसा किया जाए, खरीदा जाए, क्या किया जाए? जी हाँ, हमने देखा है कि गोल्ड में पिछले 3 हफ्तों से हम एक अच्छी गिरावट देखी है, बट कल शाम से और आज के सेशन में देखे तो एक अच्छी रिकवरी लौटी है और उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि कल हमने देखा कि यूएस के काफ़ी सारे डेटास थे, तो डेटास में तो कोई मेजर ट्रिगर नहीं था कि कुछ मेजर चेंजेस आए थे, बट जो मेजर फोकस था वो इनिशियल क्लेम्स का डेटा था जहाँ पर हमने देखा कि क्लेम्स दोबारा से बढ़ते हुए दिखे हैं, तो आई थिंक ये एक कंसर्न रह सकता है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में एक थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिखा है और हमने देखा है कि यूएस डॉलर इंडेक्स में भी एक हल्की सी गिरावट है, तो इससे भी गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ देखा है। आज के दिन में रिकवरी जरूर रहेगी बट मुझे लगता है कि अपसाइड काफ़ी लिमिटेड रहेगी और आने वाले 2 या 3 दिन के अगर सेशन देखे तो मुझे एक रेंज बाउंड मोमेंटम का एक गोल्ड में जो दायरा एक है सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो आज इंट्राडे के प्रस्पेक्टिव से बाइंग जरूर करना चाहिए और मुझे लगता है कि 48,600 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर एक अच्छी खरीदारी का मौका रहेगा। 48,425 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और अपसाइड में 49,000 तक के टारगेट्स हम आज के सेशन में आते हुए देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी गोल्ड की। इसके अलावा सिल्वर के ऊपर क्या व्यू है आपका, चांदी में क्या करना चाहिए? सेम वेज मुझे लगता है कि गोल्ड की तरह सिल्वर में भी एक इंट्राडे प्रस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छी एक पुलबैक का मूव देखने को मिल सकता है। हमने देखा है कि बेस मेटल्स में भी आज सुबह से ही काफ़ी अच्छी तेजी है तो बेस मेटल्स की तरफ से भी सिल्वर को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि गोल्ड में भी अपसाइड लिमिटेड है, सेम वेज सिल्वर में भी जो अपसाइड है वो बिल्कुल ही इंट्राडे के लिए रहेगी, बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं लग रही है, तो ट्रेडिंग के प्रस्पेक्टिव से बाई करना होगा बट हल्की गिरावट पर खरीदारी करना सही रहेगा। आज के सेशन में अगर 59,650 के लेवल्स मिलते हैं तो वो बेटर लेवल रहेगा बाइंग का, 59,250 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 60,700 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका व्यू क्रूड के ऊपर क्या होगा, कच्चे तेल में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्रूड में पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद आज हमने देखा है कि क्रूड के प्राइसेस में एक दोबारा से एक रिवर्सल आया है और प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखा है, तो मुझे कल हमने देखा था कि इन्वेंटरीज डेटा भी सरप्राइजिंगली नेगेटिव आए थे जो क्रूड के लिए सपोर्टिव था, बट डिस्पाइट ऑफ दैट क्रूड के प्राइसेस में वो मूवमेंट हमें नहीं दिखा है और ऊपरी स्तरों से एक दबाव आता हुआ दिखा है। मुझे लगता है कि टेक्निकली भी क्रूड के प्राइसेस में एक शॉर्ट टर्म टॉप बनता हुआ दिख रहा है और एक प्रॉफिट बुकिंग का जो मोमेंटम है वो 1 या 2 दिन के सेशन में आता हुआ रह सकता है, तो आज का जो हाई है 3400 ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है और जब तक इन लेवल्स के नीचे प्राइसेस ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है कि क्रूड में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी सेलिंग का माहौल रहेगा, तो 3360 एक बेटर सेलिंग लेवल रहेगा क्रूड के लिए, 100 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 3260 तक के टारगेट्स इंट्राडे में आते हुए देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये बात हो गई क्रूड की। इसके अलावा कॉपर का मार्केट कैसा लग रहा है आपको? कॉपर में इस वक्त क्या बाइंग का मौका है या बेचकर चलना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी सारे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि सुबह से ही काफ़ी अच्छी तेजी है, और कॉपर को भी हमने देखा था कि 560 के नीचे ज़रूर गया था, बट जो रिकवरी आई है काफ़ी तेज़ी से आई है और आज के सेशन में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होल्ड करके चल रहा है। मुझे लगता है कि कॉपर में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई रहेगी आज के सेशन में, तो कॉपर में 563 का लेवल्स काफ़ी अच्छा रहेगा बाइंग के लिए। 560 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और ऊपरी स्तरों पर 568 के टारगेट्स इंट्राडे में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी राय है और कि कॉपर में अभी क्या किया जाए। इसके अलावा और कोई कॉल जहां पर आपको लगता हो कि ट्रेड करना फायदेमंद होगा? सारे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों से निकल एक ऐसा काउंटर है जहां पर काफ़ी अच्छी तेजी है, और मुझे लगता है कि आगे भी जाते हुए निकल में शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए काफ़ी अच्छी तेजी रह सकती है, तो निकल पे ध्यान जरूर से रखना चाहिए। करंट लेवल से नहीं, बट अगर हल्का सा भी प्रॉफिट बुकिंग आता है, तकरीबन 1200 से 1202 का लेवल अगर आता है, तो वो लेवल बहुत अच्छा रहेगा बाइंग के लिए। 1194 का स्टॉप लॉस लगाना होगा निकल में और 1215 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।